खोल दीजिए। ओके एड मोन लेपनम सचंदनम सी विजय चौधरी भयो नमः। एड मोन लेपनम सचंदनम सी विजय चौधरी भयो नमः। एड मोन लेपनम सचंदनम सी विजय चौधरी भयो नमः। अपने अग्नि देव के सामने शपथ लेकर के उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे नीति निर्माताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं। हे मेरे नीति निर्माता, मेरे बिहार के गरीब बच्चों को, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को ना थोपिए। अगर आप मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक थोपेंगे, पूरा बिहार मानसिक रूप से विकलांग बन जाएगा। तब तक हम लोग इस हवन कुंड पर गदनी व धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनवरत काल तक धरना तक बैठे रहेंगे। ओम आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित, इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आपको बता दें कि स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं जो कि अभी हवन करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री इनका सद्बुद्धि बड़ा हो, इसलिए हम लोग हवन करने जा रहे हैं। लगातार इन लोग प्रदर्शन करते हैं, कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। आज इन लोग चार दिनों से लगातार आमरण अनशन पर धरना स्थल पर बैठे हैं। कल इन लोगों ने बेल भी मुड़वाए थे और आज इन लोगों ने हवन का कार्यक्रम कर रहा है। और इनका कहना है कि हवन हम लोग शिक्षा मंत्री का सद्बुद्धि बड़े, इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। आइए आप देखिए, देख सकते हैं अभी ये लोग हवन कार्यक्रम करने के लिए बैठे हुए हैं। अनिल जी, अभी आप लोग हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी जी, अभी मैं हवन का कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूँ कि हम अपने अग्नि देव के सामने शपथ लेकर के उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे नीति निर्माताओं को भगवान सद्बुद्धि दे कि शिक्षक की बहाली एसटीईटी मार्क्स पर किया जाए, एकेडमिक स्तर से शिक्षक की बहाली ना किया जाए। अभी आपने देखा होगा नीमा कोल वाला शिक्षक जो एकेडमिक बहाली का एक पर्याय था, वो एडमिशन का स्पेलिंग और हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं बता सकते। क्या वैसे शिक्षक नियुक्त करेंगे आप? अगर वैसे शिक्षक नियुक्त होंगे तो हमारे बिहार के सारे बच्चे मानसिक रूप से विकलांग बन जाएंगे। क्या विकलांग शिक्षक को नियुक्त करके विकलांग बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों को? अच्छा अनिल जी, अभी आप लोग जो हवन कार्यक्रम कर रहे हैं, कल आप लोगों ने बाल भी मुड़वाया था, क्या संदेश देना चाहते हैं हवन? बस संदेश यही है कि हमारे नीति निर्माताओं के पास ये मैसेज को पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। तो हमारे नीति का निर्धारण करते हैं, वो इस मामला को समझे और इसकी दिमाग में बहाली का प्रयास। चार दिनों से आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं, कोई भी आला अधिकारी आप लोगों से मिलने नहीं आता? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिहार की भलाई के लिए, हम अपनी आन बान शान के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। एकेडमिक आधार पे नियुक्ति ना करिए, प्रतियोगिता परीक्षा एसटीईटी मार्क्स पर करिए। हे मेरे नीति निर्माता, हमारे बिहार के गरीब बच्चों को, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक को ना तोपिए। हे मेरे नीति निर्माता, मेरे बिहार के गरीब बच्चों को, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों को ना थोपिए। अगर आप मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक थोपेंगे, पूरा बिहार मानसिक रूप से विकलांग बन जाएगा। बोल दीजिए। एड मोन लेपनम सचंदनम सी विजय चौधरी भयो नमः। एड मोन लेपनम सचंदनम सी विजय चौधरी भयो नमः। एड मोन लेपनम सचंदनम सी विजय चौधरी भयो नमः। बोल दीजिए।
संकल्प मंत्र हो रहा है, अनिश्चितकालीन धरना के लिए हो रहा है, सभी स्टेट मेरी धारी अक्षत ले लिए है ना, तो हमारे साथ मंत्र का जाप कीजिएगा और अपना अपना जब कहेंगे गोत्र का नाम लेने के लिए तो गोत्र का नाम लीजिएगा और अपना नाम लीजिएगा। ओम ओमद्रय ज्येष्ठे मासे शुक्ले पक्षे दशम्यां तिथौ, अपन अपन गोत्र का नाम लीजिए। कात्यायन गोत्र अभिषेक कुमार जी अपन अपन नाम लीजिए। अनिल कुमार जी सारे एस्टेट मरी धारी विषय जब तक हम लोग का एस्टेट मास पर बहाली और विज्ञापन का पालन लिखित रूप से नहीं मिलता तब तक हम लोग इस हवन कुंड पर गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनवरत काल तक धरना तक बैठे रहेंगे। ओम स्वाहा। ओम दुर्घोषा सभी दुर्भाग्य तस्मै श्री गुराय नमन। फूल दीजिए अपने अग्नि देव के सामने शपथ लेकर के उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे नीति निर्माताओं को भगवान सद्बुद्धि दे। हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन कभी हटेंगे नहीं।